कोमल अपने माता पिता के साथ गंगापुर गांव में रहती थी। वो बहुत ही शांत स्वभाव की थी। वो सभी लोगों की मदद भी किया करती थी। कोमल अपने माँ बाप की बहुत सेवा करती थी और उन्हें खुश रखती थी। वो कुछ ना कुछ काम करके अपना दिन का गुजारा कर ही लेती और इसी वजह से गाँव वालों के मन में उसने एक अलग ही जगह बना ली थी। अब पूरे भारत देश में कोरोना नाम की भयंकर महामारी छा गई थी। सारे शहरों तथा गांवों में भी कोरोना के पेशेंट मिल रहे थे। सारे गांव वाले बहुत डर गए थे। एक दिन राशन की एक दुकान पर कोमल राशन लेने गई थी। उसने देखा कि बहुत सारे लोग एक दूसरे से दूर खड़े हैं, मगर उनके चेहरे पर मास्क नहीं था। ये देखकर वो सोच में पड़ गई। इन लोगों के पास पहनने के लिए मास्क भी नहीं है क्या? सभी लोगों के काम भी अब बंद हो गए थे और सब लोग अपने अपने घर में ही थे। उनके पास कोई भी काम धंधा नहीं था। ये सब देखकर कोमल सोच में पड़ गई थी। कोमल हमेशा आजू बाजू में क्या हो रहा है इस सब का ज्ञान रखती थी। अगली सुबह जल्दी उठकर कोमल अपनी माँ की सिलाई की मशीन पर कॉटन के कपड़े से कुछ बनाने लगती है। अरे बेटा, सुबह सुबह क्या कर रही हो? अरे माँ, मास्क बनाकर देख रही हूँ। देखो कैसा है। पहला मास्क तुम्हारे लिए, लगा कर देखो। अरे हाँ, ऐसा ही होता है टीवी में। अरे माँ, मैं सोच रही हूँ कि ऐसे ही मास्क बनाकर बेचूं तो लोगों के काम भी आएंगे और मैं इससे कुछ पैसे भी कमा सकूंगी। अरे ये तो अच्छी बात है कोमल, तुम मन लगाकर मास्क बनाओ। ये कहकर माँ घर में चली जाती है और कोमल मास्क बनाने लगती है। देखते ही देखते कोमल ने दिन भर में 50 मास्क बना लिए और एक बैग में उन्हें भरकर वो बाजार जाकर बेचने लगी। उसके बनाए हुए मास्क सभी को बहुत पसंद आए। उसने सारे मास्क कम दाम में ही बेच डाले। अब ऐसे ही कोमल हर रोज मास्क बनाती और बाजार जाकर बेचा करती थी। ये सब देखकर उसकी पड़ोसी राधा बहुत जल रही थी। अब वो भी मास्क बनाने लगी, लेकिन उसके मास्क कोई नहीं खरीदता था क्योंकि वो बहुत महंगे थे। अब राधा कोमल से बहुत जलने लगी और एक दिन रात को चुपके से जाकर उसने कोमल के बनाए हुए मास्क पर कुछ कलर डाल दिया और सुबह मजा देखने के लिए आंगन में आकर खड़ी हो गई। कोमल सुबह उठकर बहुत प्रसन्न थी, लेकिन जैसे ही उसने मास्क देखे वो रोने लगी और अपने माँ से कहा, माँ ये कैसे हुआ, मेरे पूरे मास्क खराब हो गए। बेटी चिंता मत करो, ये जरूर किसी की चाल है, तुम और मास्क बनाओ और बाजार जाके बेच आओ। कोमल अपना रोना बंद करके मास्क बनाने बैठ जाती है। ये देखकर राधा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने घर में चली जाती है। ये सब कोमल देख लेती है और समझ जाती है कि ये सब राधा की करामत है। कोमल वापस अपने मास्क बनाने में मग्न हो जाती है और किसी का द्वेष नहीं करती। कोमल का यही स्वभाव उसे तरक्की की तरफ ले जाता है। अब वो बहुत सारे मास्क बनाकर बेचने लगी। उसके पास मास्क के ऑर्डर्स अब शहरों में से आने लगे। उसने अपने साथ 5 औरतों को लेकर अपना छोटा सा व्यापार शुरू कर दिया और शहरों से बड़े बड़े ऑर्डर लेने लगी। अब लोग कोमल को बड़ी इज्जत देने लगे और वो गांव में मास्क वाली कोमल के नाम से जानने लगी थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपनी कोशिश कभी नहीं छोड़नी चाहिए, मेहनत का फल मीठा ही होता है। कानपुर नाम के शहर में बिकरू गांव में एक गुंडा रहता था। उसका नाम था विकास दुबे। उस पर 60 पुलिस केस दर्ज थे। उसी शहर के पुलिस स्टेशन में विनय सिंह नाम के एक पुलिस इंस्पेक्टर थे, जो बहुत ही होनहार और ईमानदार थे। उनके घर में उनकी पत्नी और उनकी छोटी बेटी जया थी। पापा आप थाने चले जाते हैं और माँ मुझे कोरोना की वजह से बाहर भी नहीं निकलने देती और घर में रह के हरी सब्जियाँ खाने को देती है। अब बताओ ना पापा मम्मी को। अरे बेटा, हरी सब्जियाँ खाना सेहत के लिए अच्छा होता है और तुम्हें मेरी तरह देश की सेवा करनी है तो अच्छा खाना पड़ेगा। ठीक है पापा। अगले दिन विनय सिंह अपने ऑफिस में जाते हैं। वहाँ जाते ही उन्हें ऊपर से एक अर्जेंट ऑर्डर आती है। सब पुलिस वाले अपने अपने काम में लग जाते हैं। उस चौबेपुर थाने में जो भी हालचाल होती उस पर विकास दुबे की नजर थी। उसे घर बैठकर सारी खबरें मिल जाती थी। उस थाने के डीएसपी थे देवेंद्र मिश्रा जी। ऑफिसर, हमें विकास दुबे के घर जाकर उसे गिरफ्तार करना है। यस सर, हमारी तैयारी हो गई है, आप बताइए कब निकलना है। उसी पुलिस स्टेशन में विकास दुबे का एक खबरी रहता था। वो विकास को फोन कर देता है। हेलो विकास दुबे जी, आज आपके लिए मेरे पास एक खबर है। कौन सी खबर लाए हो आज? विकास जी, आज आपके घर पर पुलिस आपको पकड़ने आने वाली है, आप सतर्क रहिए। अच्छा हुआ तुमने बताया, बाकी तुम्हें कुछ कमी तो नहीं है ना? नहीं नहीं, कुछ कमी नहीं, सब आपकी कृपा है। अब मैं फोन रखता हूँ। ठीक है। अब विकास दुबे अपने साथियों को एक जगह बुला लेता है और साथियों, हमारे घर पर हमला होने वाला है, इसलिए हम सबको तैयार रहना है, पुलिस का डटकर सामना करना है। जी विकास जी, आप चिंता ना करें,
हम सब बंदोबस्त कर देते हैं। चलो हम छत पर खड़े रहकर निशाना लगाएंगे। दुबे के कुछ साथी बाहर जाकर रास्ते पर जेसीबी लगा देते हैं ताकि पुलिस की फौज अंदर ना आ सके, और बाकी के साथी छत पर जाकर तैयार खड़े रहते हैं। सब लोग पुलिस का इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर बाद पुलिस विकास के घर के पास आती है, लेकिन रास्ता जेसीबी से बंद देखकर दूसरे रास्ते से जाने के बारे में सोचते हैं। चलो उस रास्ते से जाते हैं। सर, कोई धोखा तो नहीं हो रहा है ना हमारे साथ? उस विकास दुबे को पकड़ना है तो हमें मरने से नहीं डरना चाहिए। चलो हम उनका डटकर सामना करेंगे। जी सर, चलिए। अब सारी पुलिस फोर्स दूसरे रास्ते से विकास दुबे के घर पहुंचती है। वहां पहुंचते ही उनकी जीप पर ऊपर से गोलियों की फायरिंग शुरू हो जाती है। उस फायरिंग में 8 पुलिस कर्मचारी और डीएसपी मिश्रा शहीद हो जाते हैं। उस जगह सन्नाटा छा जाता है। अब पुलिस की दूसरी फोर्स रास्ते पर तैनात रहती है, लेकिन रास्ते में जेसीबी होने के कारण वो घर तक पहुंच नहीं पाते। घर तक जाने में देर होने के कारण लगभग 7 पुलिस कर्मचारी बहुत बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। जख्मी पुलिस वालों को अस्पताल में भर्ती किया जाता है। शातिर विकास दुबे वहां से एक साइकिल लेकर भाग जाता है। अब सारे देशवासियों के मन में क्रोध की भावना उमड़ पड़ती है। सब लोग चाहते हैं कि विकास दुबे को कड़ी से कड़ी सजा मिल जाए। पुलिस अपनी कार्यवाही बड़ी सख्त कर देती है और सब जगह अपना बंदोबस्त कर देती है। कानपुर की पुलिस मध्य प्रदेश की पुलिस को भी इत्तला कर देती है और सारे पुलिस स्टेशनों में उसकी फोटो सेंड कर देते हैं। जगह जगह पर पुलिस तैनात हो जाती है और लोगों में भी जागरूकता फैलाई जाती है। पुलिस प्रशासन विकास दुबे को पकड़ने वाले को 5,00,000 रुपए का इनाम रखती है। पूरे भारत में ये खबर हवा की तरह फैल जाती है। पुलिस अफसरों की नई टीम विनय सिंह और डीएसपी मिश्रा के घर वालों को तथा शहीद हुए सारे पुलिस कर्मचारियों के परिवार को आश्वासन देती है। विकास दुबे को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप चिंता ना करें। अंकल, मैं बड़ी होकर अपने पापा की तरह बनूंगी और विकास दुबे जैसे लोगों को कड़ी सी कड़ी सजा दूंगी। हाँ बेटी, तुम बेशक पुलिस अफसर बनोगी। सारे लोग वीर शहीद पुलिस वालों को श्रद्धांजलि देते हैं। इधर विकास इस गांव से उस गांव में जाते ही रहता है। वो किसी राह चलते बाइक सवार की मदद लेकर दिल्ली जाने के लिए निकलता है। उसके करीबी रिश्तेदार उसकी मदद कर रहे थे। उनकी मदद से वो दिल्ली पहुंच गया, मगर वहां जाते ही उसे पुलिस तैनात दिखाई दी और वो उसी रास्ते से फरीदाबाद वाले रास्ते पर निकल पड़ा। फरीदाबाद जाकर उसने एटीएम से कुछ पैसे निकाले। उन पैसों से उसने मोबाइल और कुछ जरूरत की चीजें खरीदी, साथ में एक अखबार भी खरीद लिया। अखबार से उसे पता चला कि उसके रिश्तेदारों को पुलिस ने मार दिया है। अब वो बहुत डर गया। लगता है ये लोग मेरा भी इनकाउंटर कर देंगे। मुझे यहाँ से निकलकर मध्य प्रदेश जाना चाहिए, पुलिस मुझे वहां नहीं ढूंढ पाएगी। अब विकास गुप्त रास्तों से मध्य प्रदेश चला जाता है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि वहां भी पुलिसों का सख्त पहरा है। अगर मैं उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में जाकर छुप जाऊँ तो मुझ पर कोई शक नहीं करेगा। यूपी पुलिस अब एमपी पुलिस को इतल्लाह कर देती है और एमपी पुलिस भी अब बहुत सतर्कता से काम करने लगती है। एक दिन मंदिर में पूजा होने के बाद प्रसाद लेने के लिए लोग लाइन में खड़े होते हैं। उसी लाइन में विकास दुबे भी होता है। तभी मंदिर के एक सुरक्षा कर्मी की नजर विकास दुबे पर पड़ती है और वो उसे पहचान लेता है। वो तुरंत पुलिस को फोन करता है। आखिर पुलिस वहां आकर विकास दुबे को पकड़ लेती है। एमपी पुलिस विकास दुबे को उत्तर प्रदेश की पुलिस को सौंपने जा रही थी और रास्ते में जाते जाते उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में कुछ पुलिस कर्मचारी घायल हो गए और उस मौके का फायदा उठाकर विकास दुबे भागने लगा और पुलिस ने उसे गोली मारकर उसका एनकाउंटर कर दिया। सारे देशवासियों को यह खबर सुनकर खुशी हो गई और एक तरफ गम भी था कि हमारे देश के होनहार सेवक बेवजह मारे गए थे, मगर आज उन शहीद पुलिस वालों को सच में श्रद्धांजलि मिली थी। एक बुरहानपुर नाम के गांव में राघव और सागर ऐसे दो बहुत अच्छे दोस्त रहते थे। वो अपने अपने काम में खुश थे। एक दिन राघव अपनी पढ़ाई पूरी करके शहर चला जाता है और सागर गांव में खेती करने का काम करता है। बहुत दिन बीत जाते हैं। राघव और सागर अपनी अपनी दुनिया में मशगूल हो जाते हैं। राघव को अब नया जॉब मिल जाता है और उसके चलते उसे बहुत पैसों की कमाई होती है। अब वो गांव में थोड़ी बहुत जमीन भी खरीद लेता है। दोनों भी दोस्त शादियां कर लेते हैं। उस गांव में अब सागर और उसकी पत्नी कविता दोनों भी खेतों में काम किया करते हैं और राघव और उसकी पत्नी सुगना दोनों भी बहुत खुश है। राघव को गांव की बहुत याद आती है, मगर इतने पैसों वाला जॉब भी उसे छोड़ा नहीं जाता। देखते देखते उन दोनों की शादी को एक साल गुजर जाता है और दिवाली की छुट्टियों में राघव 20 दिन की छुट्टी निकालकर गांव आता है। अरे आओ आओ मेरे दोस्त, कितने दिनों बाद आए हो। अब थोड़े दिन यहाँ पर रुकोगे ना? हाँ हाँ रहूंगा ना, पूरे 20 दिनों की छुट्टी निकाल कर आया हूँ। नमस्ते भाभी। चलो आप पहले हमारे घर चलो, खाना हो जाए तो बाद में शांति से अपने घर पर जाना। ठीक है भाई साहब। नमस्ते भाई साहब, कैसे हो आप? आपका सफर कैसे रहा? नमस्ते भाभी, सफर मस्त था।
ऐसा कहके वो अंदर चली जाती है और कविता राघव और सागर के लिए पानी लेकर आती है। अरे भाग्यवान, अब क्या पानी से ही पेट भरोगी? चलो खाना परोसो, जोर से भूख लगी है। हाँ हाँ, उन्हें हाथ मुंह तो धोने दो, तब तक मैं खाना परोस देती हूँ। अब कविता खाना परोस देती है, सब खुशी खुशी खाना खत्म कर देते हैं। भाभी, खाना बहुत ही लाजवाब बनाया था। हाँ कविता, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है तुमने। गांव आने के बाद राघव भी अब खेती करने लगा था। वो और सागर दोनों मजे से खेतों में काम किया करते थे। ऐसे ही एक दिन काम करते करते राघव बहुत थक गया। अरे सुगना, जरा पानी लाना तो, गला बहुत सूख गया है। ठीक है, देती हूँ। सुगना अपने पास वाले घड़े में देखती है तो उसका पानी खत्म हो गया था। अब वो बोरवेल का बटन स्टार्ट करके वहां से पानी लेने जाती है। बोरवेल के पास जाते ही उसे डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती है। वो इधर उधर देखती है लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। बोरवेल का पानी भरने के लिए उसने अपना घड़ा पानी के नीचे पकड़ा और तभी वहां से एक हाथ निकलकर सुगना को उस बोरवेल में खींचने की कोशिश करने लगा। अजी सुनते हो? अरे ये हाथ मुझे खींच रहा है। अरे बचाओ, अरे मर गई मैं तो। अरे छोड़ ना नासपिटे, तेरा क्या बिगाड़ा है मैंने। अरे सुगना, क्या हुआ है तुम्हें? तुम उस बोरवेल में जाकर क्यों खड़ी हो? चलो आओ। अरे ये मुझे अंदर की तरफ खींच रहा है, बचाओ मुझे। अब राघव सुगना का हाथ पकड़कर उसे बाहर खींचने लगता है। राघव के गले का ताबीज देखकर वो भूत उसे छोड़ देता है। अच्छा हुआ जी आपने मुझे खींच लिया, वरना ये बोरवेल तो मुझे मार ही डालता। सुगना और राघव घर चले जाते हैं और सुबह उठकर अपने दोस्त सागर के यहाँ जाकर कल जो हुआ वो घटना विस्तार से उसे बताते हैं। अरे राघव, मैं इस भूत प्रेत पे विश्वास नहीं रखता, मगर तूने जो जमीन ली है ना, उसकी बोरवेल बहुत पुरानी है और लोग कहते हैं कि वहाँ पे भूत का साया है। मैं इन बातों को नहीं मानता, इसलिए मैंने तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझा। अब क्या करे, सुगना भी बहुत डर गई है, अब खेत में जाने का नाम ही नहीं लेती। अब मैं जल्द ही यहाँ से निकल जाऊंगा। अरे राघव, निकल जाना समस्या का हल तो नहीं है ना? और तुम निकल कर कभी ना कभी तो वापस आओगे ही अपनी जमीन के पास, क्या तब भी भाग जाओगे? समस्या भागने से और बढ़ेगी, पर समस्या का समाधान कर दिया तो कम हो जाएगी। हाँ तुम बोल रहे हो वो भी सही है, उस भूत का ठिकाना लगाना ही पड़ेगा। अब वो दोनों उस रात को खेत में चले जाते हैं और एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। वो बोरवेल को शुरू कर देते हैं और चुपचाप एक जगह खड़े होकर सब देखने लगते हैं। कुछ देर बाद उस बोरवेल से एक चुड़ैल बाहर निकलती है और जोर जोर से आवाजें करने लगती है। कौन है? किसने मुझे बुलाया है? आज तो मैं सबको खा जाऊंगी, कहाँ मर गए सबके सब? अरे सागर, हमने कोई गलती कर दी क्या? अब क्या करें, इससे कैसे बचे? डरो मत, अब हम इसके बोरवेल में जाने का इंतजार करेंगे, चुपचाप खड़े रहो। अरे मुझे बहुत डर लग रहा है, अब हम क्या करें? चलो भाग चलते हैं। चुपचाप खड़े रहो यहाँ पर, आवाज मत करो। सागर और राघव पेड़ के पीछे छुपकर उस चुड़ैल को देखते रहते हैं। बहुत देर हो जाने के बाद भी कुछ खाना ना मिलने की वजह से चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी उसे खेत में एक कुत्ता नजर आता है, वो उस कुत्ते के पास जाकर उसे खा जाती है। ये सब देखकर राघव और सागर डर के मारे पानी पानी हो जाते हैं। अब चुड़ैल वापस बोरवेल के अंदर चली जाती है। सुबह हो जाती है और राघव और सागर अपने घर चले आते हैं। अरे सुगना, सच में वहाँ पे भूत है, तुम कल बोल रही थी ना वो सही है, हमने कल ही हमारे आँखों से भूत को देखा है। मगर हमारी बात का कोई विश्वास नहीं करेगा, अगर हम गांव वालों को ये बात बताएंगे तो वो हमें पागल कहेंगे। मगर क्या किया जाए जिससे सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे? अजी मेरे विचार से हमें बोरवेल के पास सीसीटीवी कैमरा लगाना चाहिए, जिससे हमारे हाथ सबूत आ जाएगा। ये अच्छी कल्पना है। अब राघव उसी दिन जाकर एक सीसीटीवी कैमरा लेकर आता है और एक इलेक्ट्रिशियन की मदद से उसे खेत में फिट करवा देता है। अब एक औरत उस बोरवेल पे पानी पीने के लिए आती है। बचाओ, ये नासपिटी ने मुझे पकड़ लिया है, बचाओ बचाओ मुझे। वो चुड़ैल उसे भी खा डालती है और बोरवेल में चली जाती है। ये सब सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है और सुबह जब राघव और सागर खेत में आते हैं तब वो सीसीटीवी फुटेज लेकर घर आते हैं। फुटेज चेक करने के बाद उन्हें दिखाई देता है कि किसी औरत को वो चुड़ैल खा गई। अरे सागर, ये औरत कौन है? हमारे गांव की है क्या? हाँ, अरे ये हरिया की बीबी लक्ष्मी है, ये कल उस भूतिया बोरवेल पे पानी लेने के लिए गई थी और उसका पति इसे गांव में ढूंढ रहा है, मगर ये कहीं मिली नहीं। अरे कैसे मिलेगी इसको, उसे तो वो चुड़ैल खा गई। अब क्या करे, जब भी कोई बोरवेल स्टार्ट करेगा ये लोगों को आकर मार डालेगी और खाकर चली जाएगी, अब हमें कुछ करना होगा। अब दोनों गांव के सरपंच के पास चले जाते हैं, वो अपने साथ सीसीटीवी का फुटेज भी लेकर जाते हैं। नमस्ते सरपंच जी। नमस्ते, आइए ना। सरपंच जी, आपकी थोड़ी सहायता चाहिए थी। कैसी सहायता चाहिए आपको? मेरे खेतों में भूत का साया है,
वो चुड़ैल बोरवेल में रहती है, हमें उससे जल्द से जल्द पीछा छुड़ाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक एक करके गांव वालों की जान चली जाएगी। ऐसा थोड़ी ना होता है, हम भूत नहीं होते हैं। हमें पता था कि हम पे कोई विश्वास नहीं करेगा। अच्छा एक बात बताओ, हरिया की पत्नी लक्ष्मी अचानक से गायब कैसे हो गई? अब वो मुझे क्या पता, उस हरिया को ही मालूम होगा। अब राघव और सागर सरपंच जी के घर से निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें हरिया मिलता है। तुम बाबू गांव से आए हो ना, यहाँ क्या कर रहे हो? अरे छुट्टियों में यहाँ आया था। यहाँ तो कुछ अजीब सा ही दिख रहा है, अब मेरा ही ले लो। मेरा मेरी पत्नी के साथ कोई झगड़ा नहीं, कोई बवाल नहीं, फिर भी कहाँ चली गई क्या पता। अब तो ढूंढ ढूंढ के थक गया हूँ, सब तरफ देख लिया। चलो तुम मेरे साथ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। अब राघव के साथ हरिया उसके घर चला जाता है। राघव और सागर एक जगह बिठाकर उसे वो सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं। वो सब देखकर हरिया हैरान हो जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। वो तुरंत राघव के खेत के बोरवेल के पास जाता है और वहां बैठकर रोने लगता है। राघव और सागर उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनता। हरिया अकेला ही उस बोरवेल के पास रोते बैठता है। अब रात हो जाती है। उस खेत के रास्ते से कुछ डाकू गुजर रहे होते हैं। उन्हें बहुत प्यास लगती है तो वो बोरवेल के पास पानी पीने के लिए आते हैं। तभी उनकी नजर हरिया पर पड़ती है। अरे भाई क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठे हो? मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, मैं क्या करूं? अरे हुआ क्या है वो तो बता, हम तुम्हारी मदद कर देंगे, बोल। इस बोरवेल ने मेरी बीवी को खा डाला है, अब मैं क्या करूं? अरे ऐसा भी कभी हुआ है क्या कि किसी बोरवेल ने किसी की जान ले ली? अरे कल्लू जरा बोरवेल का बटन तो दबाओ। हाँ सरदार, शुरू करता हूँ। कल्लू के बटन स्टार्ट करते ही उस बोरवेल से अलग अलग आवाजें आने लगती है। वो सुन के हरिया डर जाता है और दूर खड़ा रहता है। तभी कल्लू और कालिया पानी पीने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और तभी उस पानी में से एक बहुत बड़ा हाथ बाहर आता है और कल्लू को खींचकर वो चुड़ैल खा लेती है। कौन है रे, हम डाकुओं पर हाथ डालने की किसकी हिम्मत हुई, बाहर आओ। अब भूत बोरवेल से बाहर आती है। चल आ गई बाहर, अब क्या करेगा तू कालिया? अरे चुड़ैल जी छोड़ दीजिए, गलती हो गई, छोड़ दीजिए। अब कहाँ गई तेरी बड़ी बड़ी बातें, हाँ बहुत दिनों से भूखी हूँ, आज पेट भर के खाना खाऊंगी। ऐसा कहते ही भूत उसे खा डालती है। हरिया पेड़ के पीछे छुपकर ये सब देख रहा होता है। कल भी और आज भी मुझे अच्छी मेजबानी मिल गई, अब कल का इंतजार रहेगा। अरे ये नासपीटी तो मुझे भी खा जाएगी, इसका कुछ तो करना होगा, ये किसी को नहीं छोड़ेगी। ऐसा कह के हरिया वहाँ से चला जाता है। अब राघव और सागर सोचते हैं कि उस भूत का क्या किया जाए, मगर फिलहाल उन्हें कोई उपाय नहीं मिल रहा। अभी वो भूत उस बोरवेल में ही है। अगर आपको इस भूतिया बोरवेल का पार्ट 2 देखना है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारी अगली आने वाली कहानी का इंतजार कीजिए। सुंदरपुर नाम के गांव में शीला नाम की एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। उसकी बेटी राधा अपने ऑफिस की छुट्टियों में घर आया करती थी। उसे गांव आना बहुत अच्छा लगता था। इस बार भी राधा छुट्टियों में अपने गांव आई थी। माँ मैं आ गई मेरी रानी बिटिया, कितने दिनों के बाद आई हो, मुझे बहुत याद आ रही थी तुम्हारी। हाँ माँ मुझे भी तो तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसीलिए ही छुट्टियाँ लगते ही मैं यहाँ आ गई। बेटी अब कितने दिनों की छुट्टियाँ मिली है? माँ 15 दिनों की छुट्टियाँ मिली है, अब आई हूँ तो सारा गांव घूमूंगी। चलेगा जितना चाहे उतना घूमना। अब अगले दिन सुबह ही राधा और उसकी माँ बाजार चले जाते हैं। गांव घूमते घूमते राधा गांव के बाहर चली जाती है और वहाँ जाकर उसे एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ दिखाई देता है। कितना विशाल पेड़ है माँ ये देखो। हाँ राधा ये बहुत विशाल पेड़ है और बहुत पुराना भी है। राधा ये सब देख उस पेड़ के पास जाने लगती है। तभी राधा राधा इधर आओ जल्दी। क्यों क्या हुआ माँ, इसके पास क्यों नहीं जाना? घर चलो तुम्हें बताती हूँ। अब दोनों माँ बेटी घर आती है। राधा सवाल पे सवाल पूछने लगती है। वो पेड़ भूतिया बरगद का पेड़ है, वहाँ पे भूत रहते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। माँ सच में भूत होते हैं? हाँ राधा भूत होते हैं, हमारे गांव में ही ऐसी कहानी हुई है, इसीलिए सब गांव वाले अब भूत के नाम से भी डरते हैं। बहुत पुरानी बात थी, इस गांव में दो लुच्चे लफंगे डाकू रहा करते थे। उनका नाम था गोटिया और राजू। उन्हें हमेशा लड़कियों को छेड़ने की आदत थी। वो आते जाते हर लड़की को छेड़ा करते थे और अपने गांव में चोरियां भी किया करते थे। एक दिन साधना नाम की एक लड़की गांव में नई आई हुई थी। वो गांव में काम किया करती थी।
और शाम के समय अपने घर जाती थी। गोटे और राजू उस पर नजर रखे हुए थे। वो कब आती है जाती है इस बात का उनको पता था। एक दिन साधना अपने काम पर जा रही थी, तब ये दोनों एक जगह खड़े होकर उसे छेड़ते हैं। कहाँ चली जाने मन, जरा हमसे तो मिलती जाओ। वो उन दोनों को देख अनदेखा कर देती है और अपने काम पर निकल जाती है। क्या रे राजू, ये लड़की तो हमें भाव ही नहीं देती, इसे कैसे फंसाए? अरे फंसेंगी, चिंता मत करो। ऐसा बोलकर वो चले जाते हैं। कुछ दिनों तक ये दोनों उसे बहुत तंग करते हैं। अब वो बहुत परेशान हो जाती है। एक दिन रात के समय साधना को काम से आने में देर हो जाती है और उसे ये दोनों गुंडे रास्ते में ही पकड़ लेते हैं और उससे हाथापाई करते हैं। छोड़ो मुझे, बचाओ बचाओ, कोई है, मुझे इन बदमाशों से बचाओ। कोई नहीं आएगा रानी यहाँ पर, अब तुम हो और हम हैं। अब चुपचाप खुद को हमारे हवाले कर दो। वो तीनों जहाँ खड़े थे वहाँ एक बरगद का पेड़ था जो ये सब सुन रहा था। साधना अब बूटा के कमर से चाकू निकालकर खुद को मार डालती है। ये देखकर दोनों बहुत डर जाते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। साधना जोर से जमीन पर गिर पड़ती है। उस बरगद के पेड़ की आत्मा साधना के मृत शरीर में चली जाती है। उसकी आवाज बहुत डरावनी हो जाती है और उसकी आंखें लाल हो जाती है। अब वो दोनों चोरों का पीछा करती है और एक ही झटके में उनकी गर्दन पकड़कर उन्हें मार डालती है। अब वो गांव के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है और गांव में प्रवेश करके जोर जोर से घुर्राने लगती है। मैं इस गांव के किसी को नहीं छोड़ूंगी, मुझे मारा है ना, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। ये देख सारे रास्ते से आने जाने वाले लोग डर जाते हैं। सब इधर उधर भागने लगते हैं। जो भी उसके शिकंज में आता है वो उसे मार डालती है। अब साधना का भूत रात को भी गांव में घूमने लगा। लोगों का बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। अब डर के मारे वे बाहर भी नहीं निकलते थे। ऐसे ही एक दिन दो दोस्त बातें कर रहे थे। अरे माधव, ये भूत हम सब गांव वालों को मार डालेगी। जब तक ये जिंदा है तब तक हम सुरक्षित नहीं है। कब मौत का बुलावा आ जाए क्या पता। हाँ हरिया, सही कह रहे हो, इस भूत ने तो हमारा जीना ही मुश्किल कर दिया है भाई। चलो ऐसा करते हैं कि हम कुछ लोग मिलके सरपंच जी के पास जाकर अपनी कहानी सुनाते हैं, शायद कुछ हल निकल आए। ऐसा कहते हो तो चलो फिर। अब हरिया, माधव और गांव के अन्य लोग मिलकर सरपंच जी के घर चले जाते हैं। अब सरपंच जी भी इस विषय के बारे में सोचते हैं। क्या करे सरपंच जी, कोई रास्ता ही नजर नहीं आता है। इस भूत को हमें इस गांव से भगाना ही होगा। हाँ आपकी सारी बात सच है, मगर हमें अब जोश से नहीं होश से काम लेना होगा। इसलिए जो भी निर्णय होगा वो सोच विचार के बाद ही होगा। सरपंच जी, क्या तब तक हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे या खुद के मरने का इंतजार करे? मेरे विचार से हमें इस गांव के जो सिद्ध बाबा है उनके पास जाना चाहिए, वही हमें कुछ उपाय बताएंगे। हाँ सरपंच जी, आपका विचार अच्छा है, चलो हम सब अभी उस बाबा के पास चले जाते हैं। ऐसा कह के सारे गांव वाले बाबा के पास चले जाते हैं। और इधर भूत गांव में आकर लोगों की तलाश करता रहता है और जो मिले उसे मार डालता है। सारे गांव वाले बहुत डर जाते हैं और जल्दी जल्दी बाबा के पास पहुंचते हैं। बाबा, हम सुंदरपुर गांव से आए हैं, आपकी कुछ सहायता चाहते हैं। कैसी सहायता चाहिए आपको मुझसे? बाबा, हमारे गांव पर एक भूत का साया है, आप हमारी मदद करेंगे ऐसी आशा है। हम बहुत आशाएं लेकर आए हैं आपके पास। बाबा आंखें बंद कर लेते हैं और ध्यान में लीन हो जाते हैं। कुछ देर बाद बाबा अपनी आंखें खोलते हैं। वो एक बरगद के पेड़ की आत्मा है जो साधना नाम के लड़की के शरीर में प्रवेश कर चुकी है और अब वो सबसे बदला लेना चाहती है। अब हम क्या करें बाबा? कल ही हमें उस लड़की को मारना होगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। बाबा, मगर किसी की बलि चढ़ाना ठीक नहीं है। बहुत लोग मरने से अच्छा है कि एक मर जाए और बाकी सब जीवित रहे। अब सारे लोग बाबा की बात पर विश्वास रखते हैं। कल उसे शाम के समय गांव के बाहर का जो बरगद का पेड़ है उसके पास लेकर आना है। मैं तुम सबको वही मिलता हूँ। ये लो, सारे लोग ये सुरक्षा कवच पहन लो, ये धागा आपकी रक्षा करेगा और हमारा काम हो जाएगा। हाँ बाबा, आप जैसा बोल रहे हो वैसा ही होगा। अब हमें कल शाम को बरगद के पेड़ के पास जाना है और वहाँ जाकर सबको छुप जाना है। दो तीन लोग गांव के बाहर खड़े रहेंगे जिससे वो भूत बरगद के पेड़ के पास आ सके। जैसे ही वो दिखे तुम सब लोग वहाँ से भागना शुरू कर देना। हाँ ऐसा ही करेंगे, चलो घर चले। अब सारे गांव वाले बाबा को प्रणाम करके वहाँ से निकल जाते हैं और दिन भर शाम का इंतजार करते हैं। जैसे ही शाम हो जाती है गांव वाले बरगद के पेड़ के पास छुप जाते हैं। तीन गांव वाले बाहर रुकते हैं। अब उन्हें वो भूत दिखाई देता है। गांव वाले भागने लगते हैं और बरगद के पेड़ के पास चले जाते हैं। भूत भी बरगद के पेड़ के पास चला जाता है और जोर से घुर्राने लगता है। अब बाबा उसके पास आते हैं और उसके बदन पर एक भस्म फूंकते हैं। बाद में उसके पास एक चाकू डालते हैं
वो भूत चाकू लेकर अपना गला काट लेती है और मर जाती है। अब इस लाश को बरगद के पेड़ के नीचे दफना दो। अब गांव वाले उस लाश को बरगद के पेड़ के नीचे दफना देते हैं और वहाँ कभी लौट कर नहीं जाते। मगर उस बरगद के पेड़ से इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए और हर औरत को अपनी माँ और बहन की तरह समझना चाहिए।